sauce. प्रीमियर लीग जी बिल्कुल, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. मैं फुटबॉल वैसे बहुत खेलता हूँ, तो इस तरह का अगर कोई एमेच्योर टूर्नामेंट है जहाँ हम सब खेल सकते हैं, दिस वाज स्टार्टेड बाय माय यंगर ब्रदर, सो आई एम हैप्पी. आई एम ऑलवेज हियर टू सपोर्ट रूट्स एंड वी नीड मोर ऑफ दिस कॉम्पिटिशन. इस बार मुंबई में, मतलब साउथ बॉम्बे है, सेंट्रल मुंबई है, बांद्रा है और जुहू भी है, तो कॉम्पिटिशन काफ़ी स्टिफ होंगे इस बार. ओके सर, आप कौन सी टीम में खेलने पहले तो वो जाने, क्योंकि 40 टीम्स हैं. जी बिल्कुल, मेरी टीम जो है, टीम का नाम है सुपर हीरोज और उस टीम का हिस्सा हूँ मैं, एंड इट्स अ वेरी गुड टीम. और अभी तो ऑक्शन हो चुका है एंड वी बॉट सम न्यू प्लेयर्स, तो बहुत सारे लोग खेलते हैं. वी गॉट सम लॉट ऑफ फॉरेनर्स, लॉट ऑफ एक्सपैट्स प्लेइंग, तो टीम, सारी टीम ऐसे बहुत सारी टीम्स बहुत मजबूत हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग. सर, डू यू थिंक ऐसे टाइम पे टूर्नामेंट्स होने चाहिए कि इससे फिटनेस भी बनी रहती है? बिल्कुल, एक अलग दौर है. मेरा ये मानना है कि इस तरह के टूर्नामेंट्स और होना चाहिए ताकि जो प्रोफेशनल फुटबॉलर्स हैं, जो एमेचर, जो मस्ती और मजाक के लिए जो खेलना चाहते हैं, फिटनेस के लिए खेलना चाहते हैं, वो भी खेल सकते हैं. और इस तरह का टूर्नामेंट्स, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस अगर हो, इट जस्ट मेक्स इट इवन मोर एक्साइटिंग. प्राइज मनी भी है, स्पॉन्सर्स भी हैं, एक कार्निवल का एक माहौल जैसा बनता है और एक कम्युनिटी भी है, एक फुटबॉलिंग कम्युनिटी है. इस बार मेरे ख्याल से कुछ टीम प्लेयर्स को लेके और उनके जो दोस्तों को लेके कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग होंगे. जी जी, हमारी एक और टीम है ऑल स्टार, द फुटबॉल ऑल स्टार टीम, जिसमें अभिषेक है, रणबीर है, तो हम वो मैचेस हम सिर्फ चैरिटी के लिए खेलते हैं, सिर्फ एक सोशल कॉज के लिए खेलते हैं. ये अलग, ये तो बिल्कुल अलग है. ओके डिनो सर, एक न्यूज़ आई थी, आप बहुत ही जल्द एक मूवी कर रहे हैं, उसके बारे में बता पाए कुछ? एक्चुअली मैं एक फिल्म प्रोड्यूस करने वाला हूँ. ओके, एक बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट मुझे मिला अभी, एंड वी आर गोइंग टू मेक दिस. अभी तो कास्टिंग चल रहा है, जैसे ये कास्ट तय हो जाएगा तो मुझे लगता है कि एक अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आ जाएगा. मुझे लगता है कि 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए. ओके सर, थोड़ा हिंट अगर दे पाए, इट्स एन रोमांटिक और अ थ्रिलर. एक सोशल सटायर है. अगर एक और कहूँगा तो पूरी कहानी पता चल जाएगी, सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट द स्टोरी, बट जैसे जब मैं अनाउंसमेंट करूँगा तो टाइटल भी पता चल जाएगा, सब मतलब जो एक्टर्स है सारी चीज़ें पता चल जाएगी. I'm very excited. So I have a team. My team's name is Super Troopers. It's all women's, and I support this initiative by Roots because A, it's about community building, it's about sport, and for me it's about women breaking stereotypes. So it's great.
No, we don't have any celebrities. We just have rock star girls who play football really well. Okay, do you think that this kind of tournament should be more for the physical activity for? So it's for physical activity only, no, boss? But physical activity and for social cause also. It's this not kind of for match. A social cause. Sports is. Hello, G. How are you? Hello, boys. Physical activity. It is physical activity. Yeah, already. That kind of means it's kind of more kind of, this kind of tournament should be more. Yes, active. There should be a lot more sport-related activity, especially when we live a stagnant life in the city. I'm coming back. And it's a great initiative. Thank you. Thank you. Thank you. हाँ तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार 2018 के साथ एक नई टीम भी आई है इनके साथ जो मेरी टीम है विच इज़ द टेम्पलर्स. तो बहुत खुश हूँ क्योंकि जो हमारी टीम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है और इस बार ज़रूर जीत कर जाएगी. कॉम्पिटिशन तो कम ही टफ ही होगा क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं बहुत टफ हैं, बहुत कम्पटिटिव हैं, सारी लीग कम्पटिटिव होते जा रही है. आई थिंक दिस योर थर्ड ईयर है. सेकेंड ईयर दूसरे साल में. फर्स्ट ईयर में बहुत कम्पटिटिवनेस था तो या टफ मैचेस तो होंगे. इस वक्त तो नहीं मगर हम ढूंढेंगे कौन से सोशल कॉज के लिए. मगर इस वक्त तो टू प्रमोट स्पोर्ट्स. आई थिंक कि यहाँ पर जो लीग है वही एक जो कम्युनिटी होती है कम्युनल कि इस इलाके से एक नेबरहुड से जैसे कि बांद्रा के जितने भी लोग हैं यू नो बच्चे हैं यंगस्टर्स हैं जो खेलना चाहते हैं उनके लिए सारा कुछ ऑर्गेनाइज करना उनको घर से बाहर निकालना वही बहुत बड़ी बात हो जाती है. तो उसमें ही एक सोशल कॉज है. अच्छा रिस्पॉन्स पिक्चर अभी रिलीज़ हुई है शाम तक पता चलेगा. तो मैं अभी पिक्चर के बारे में ज़्यादा बातचीत तो करता नहीं हूँ क्योंकि जब तक मंडे नहीं आता है तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं. रिव्यूज़ बहुत अच्छा है पल्टन के बहुत सभी जगह से यू नो सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया है सबका काम.
नए लड़के भी हैं जिनका काम बहुत अप्रिशिएट हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ। एक स्पेशल फिल्म है, हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए ये फिल्म। भाई यहाँ पर हम फुटबॉल की बात करें बेटर है ना। हाँ तो ये मेरे दोस्त हैं हैप्पी हैप्पी, इनका नाम इसलिए रखा है क्योंकि देखिए ये हमेशा हैप्पी रहते हैं। एक्चुअली हम बहुत खुश हैं कि अर्जुन हैज जॉइंड अस फॉर दिस सीजन ऑफ द रूट्स लीग, एंड जैसे ये बोल रहे हैं इनकी टीम वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, और इस दिस डे इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज नॉट ओनली आर वी गोना विश हिम गुड लक फॉर द सीजन बट ऑल्सो गुड लक फॉर हिज मूवी। थैंक यू, थैंक्स, वी आर वेरी हैप्पी टू हैव हिम। थैंक्स, थैंक यू।